हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू सिलियन स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर सिलियन स्टडी में। देसी करतार दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेडक्वार्टर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे स्टेट के हों, सेंटर का, या कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, तो उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर का जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, मैं वन बाई वन वीडियोज लेके आया हूँ सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने कवर की हुई है सभी वीडियोज में। तो दोस्तों, मैंने और भी वीडियोज बनाई हुई हैं, उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म यानी कि WEF। WEF आपने नाम सुना होगा। तो दोस्तों, इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो फाउंडेड ऑन 1971 का इसकी फॉर्मेशन या एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1971 ईस्वी में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद बात करते हैं इसकी हेडक्वार्टर की, तो वो है कोलोनी, वो भी स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म की, इसमें है हेडक्वार्टर हो गया इकोनॉमिक कोलोनी, स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें अभी, तो उस एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, क्लाउस स्क्वैब, याद रखें KLAUS, क्लाउस स्क्वैब, ठीक है, SCHWAB स्क्वैब। कुछ मेंबर्स की बात करें तो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म जो WEF है, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड के कितने 1000 लीडिंग कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, किस लिए, टू शेप ए बेटर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर के लिए, यानी कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के लिए। एज ए मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। द फॉर्म इंगेज बिजनेस इन प्रोजेक्ट, ये जो फॉर्म है ये इंगेज करते हैं किसमें, बिजनेस इन प्रोजेक्ट्स में और इनिशिएटिव, बोथ इन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मीन टू एड्रेस इंडस्ट्री हो गया, या तो रीजनल एंड सिस्टमिक इश्यूज, कोई भी सिस्टमिक और रीजनल इशू उसके रिलेटेड। दोस्तों, WEF की कुछ रिमार्क की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म जो है, इज ए कमिटी टू इन्हेंसिंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं वर्ल्ड की जो भी स्टेट्स हैं। इन द फॉर्म एंगेजेस द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल हो, बिजनेस एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी हो गया, टू शेप ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्रियल एजेंडाज। कोई भी रीजनल हो, इंडस्ट्रियल हो, या तो ग्लोबल कोई भी एजेंडा हो, उनको शेप करने में, उनको अच्छा करने में हेल्प करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म की। ज़रूर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आप लाइक करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।